नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र किन किन लोगों को बनाना है या बनवाना है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि कल मेरे पास बहुत से कमेंट्स आए कि सर आप ये बता दीजिए कि मेरे को जाति प्रमाण पत्र बनवाने हैं, तो कब से कब तक के लिए बनवाने हैं या कब से मांगा है यूपी पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म में, तो ये बता दीजिए। तो दोस्तों मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दे रहा हूँ, तो इस वीडियो में आपको सारे जो क्वेश्चन हैं आपके वो क्वेश्चन कवर कर लिए जाएंगे और आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर के जवाब इसी वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल इंडियन स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोजाना स्टडी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र किन लोगों को बनवाने हैं वो मैं बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जिनका जाति प्रमाण पत्र, जिनका ध्यान से सुनना दोस्तों, मैंने लिख भी दिया है इसीलिए और मैं बता भी रहा हूँ इसलिए ध्यान से सुनना। जिनका जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र, जिनका जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2017 से पहले का है। कब से दोस्तों? 1 अप्रैल 2017 से पहले का है। 1 अप्रैल 2017 से पहले का है। और ध्यान रखना दोस्तों, और जो ओबीसी एससी और एसटी में आते हो, जनरल की बात नहीं कर रहे दोस्तों, इसलिए मैंने साफ साफ लिख दिया है। और जो ओबीसी एससी और एसटी में आते हो तथा जिनकी उम्र 22 वर्ष से अधिक हो, जो ओबीसी एससी और एसटी में आते हो और जिनकी उम्र 22 वर्ष से अधिक हो, तो वह आज ही अपना जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा लें। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? एक बार और बता दे रहा हूँ, जिनका जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2017 से पहले का है, ध्यान रखना दोस्तों पहले का। अगर जिनका जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2017 से बाद का है तो वो ना बनवाए, उनके लिए वही जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र काम करेगा। ठीक है, जिनका 1 अप्रैल 2017 से पहले का है मैं उनके लिए बता रहा हूँ, और जो ओबीसी एससी और एसटी में आते हों तथा जिनकी उम्र 22 वर्ष से अधिक हो, तो वह आज ही अपना जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा लें। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब थोड़ी एज के बारे में बात करेंगे। कई मेरे पास कई कमेंट्स आए कल के सर एज बता दीजिए कितनी है, क्योंकि एज तो सबको पता है कि क्या नाम है, जनरल के लिए 18 से 22 है। ठीक है, अब कई बच्चे ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि एज का क्राइटेरिया यूपी पुलिस कांस्टेबल में कहाँ कब से कब तक मांगा है। ठीक है दोस्तों, तो एज के लिए भी सुन लीजिए, जिनकी जन्मतिथि, ध्यान रखना दोस्तों, जिनकी जन्मतिथि 2 जुलाई 1996, जन्मतिथि 2 जुलाई 1996 से 1 जुलाई 2000 के बीच में हो, जिनकी जन्मतिथि 2 जुलाई 1996 से 1 जुलाई 2000 के बीच में हो तो वह फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुन लो, जिनकी जन्मतिथि 2 जुलाई 1996 से 1 जुलाई 2000 के बीच में हो तो वह फॉर्म भर सकते हो। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा हो या आप कुछ चीज़ समझ नहीं पा रहे हो, तो जो भी हो, जैसा भी हो, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, 7007981465। ठीक है दोस्तों, व्हाट्सएप कर दें तो मैं आपका 1 घंटे के अंदर आपके जो भी क्वेश्चन होएगा उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आराम से फॉर्म भरो, जिसकी भी दिक्कत आओ, जिस चीज़ की भी दिक्कत हो मेरे से पूछ लीजिए। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल इंडियन स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना स्टडी से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।